हेलो दोस्तों, आपका ब्रिकेस मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आइए, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के जो सवाल देखे थे, ट्रिग्नोमेट्री का जो मैंने बेसिक फॉर्मूला बताया था जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है, उसी में मैंने धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन के टाइप को बताऊँगा कि अनुपात का क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है। अभी तक मैंने पहला क्वेश्चन लिया है कि अगर आपका टाइप, मैंने बहुत सारा टाइप बताया है, अगर उससे बदल के ये हट के एग्जामिनर के मोड में अगर ये आ जाए कि 3 sin a = 4 cos a, तो 10 square a और 6 square का मान बताइए। आइए देखते हैं क्वेश्चन को करेंगे कैसे। यहाँ को आपको सीधा सीधा दिया रहता था कि कैसे हम निकाल सकते हैं। पहले आपको लंब अपान आधार दे रहता था, उसके बाद आप कैसे भी करके ट्रायंगल बना के वहां से तीनों भुजाओं को निकाल के और अपना मान ज्ञात कर। लेकिन इसमें देखिए क्वेश्चन को बदल दिया। इसी टाइप का क्वेश्चन हम डेली करेंगे और अभी हमारा सीरीज चलेगा, 6 से 7 क्वेश्चन लगभग इसी टाइप के बताए जाएंगे। आइए देखते हैं यहां से मान कैसे निकालना है। यहाँ साइन ए इसको लिख सकते हैं अपान कॉस ए, और ये 4 है, ये 3 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यही मिलेगा। तो साइन ए अपान कॉस ए का मतलब 4/3। एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं कि जो टेन ए का फॉर्मूला होता है, टेन ए अगर साइन और कॉस के पदों में लिखेंगे तो साइन ए अपान कॉस ए इसको लिख सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है, आपको हमेशा रट लेना। टेन का उल्टा हमारा कॉट होता है, कॉट ए। यदि कॉट ए आए साइन और कॉस के पदों में फॉर्मूला, तो कॉस ऊपर चला जाता है और साइन नीचे आ जाएगा। ये ए रहेगा, थीटा रहेगा तो थीटा रहेगा, ए रहेगा तो ए रहेगा, कॉस ए अपान साइन। अब हमने देखा कि यहाँ पे हमको ये साइन अपान कॉस क्या हो जाएगा, टेन ए। टेन ए की वैल्यू हमको पता चल गई 4/3। अब देखिए यहाँ पे हमने टेन ए की वैल्यू हमको पता चल गई 4/3, और हमको केवल सेक निकालना है। सेक निकालने के लिए भी हमको एक ट्रायंगल का निर्माण करना पड़ेगा। जैसे हमारा यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ए वाला एंगल लेंगे तो हम मान लीजिए ए ये लिए, ए बी सी। हम बेसिक फॉर्मूला जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, थीटा के सामने, ए वाला एंगल हमारा थीटा है, तो ए के सामने वाली भुजा हमारी लंब होगी और जो भुजा बचेगी वो हमारी आधार हो जाएगी। क्या क्या पता हमको, लंब पता, आधार पता। लंब कितना हमारा 4, आधार कितना हमको 3। कर्ण ज्ञात करने का तरीका हमने 3 से 4 बार आपको बता चुका। कर्ण का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण निकालना हमको तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, लंब कितना हमारा 4, तो 4 चौक 16, आधार है 3 3 9, 16 9 क्या हो जाएगा 25। कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया 25। स्क्वायर हमने हर बार कहा है कि स्क्वायर एक तरफ से हटता है तो एक तरफ कहा जाती है स्क्वायर रूट आ जाता है। इस स्क्वायर रूट का वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होता है, स्क्वायर रूट आ जाएगा तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो कर्ण बराबर आपको क्या मिल गया 5। अब हमने देखा कि sec a हमारा आसानी से निकल सकता है। sec a इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, मतलब 5/3। हमको दोनों वैल्यू पता चल गए। अब इसी के जगह पे हम अपनी वैल्यू रख देंगे, tan स्क्वायर a और माइनस sec स्क्वायर a। tan की वैल्यू कितनी है 4/3 का क्यूब, 4/3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। sec की वैल्यू कितनी है 5/3, तो 5/3 का स्क्वायर करेंगे। यहां आ गया हमारा 4 का स्क्वायर करेंगे, 2 बार 4 चौक 16 और 3 3 9, 5 5 25 और 3 3 9। हम जानते हैं कि एलसीएम हमारा सेम है, हर हमारा सेम है, तो घात आपस में क्या होंगे, जुट जाएंगे या घट जाएंगे। 16 में से 25 को घटाएंगे तो 16 9 होगा 25, कितना बचेगा -9/9। 9 से 9 आपका कट जाएगा, बच जाएगा -1। यही -1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर।
तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने बताया कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आया तो इसी बेसिक मेथड का आप यूज करेंगे और सारे क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। आइए मैं अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही अलग अलग टाइप का आपको बताता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमने अभी आपको टाइप बताना सिखाया कि अलग अलग टाइप का जो क्वेश्चन आ रहा है कैसे हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये मेरा अगला टाइप है कि कोसेक थीटा इक्वल टू 2/3/5 दिया हुआ है। देखिए अब 2020 में क्वेश्चन आया हुआ भी है तो हम केवल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को हम बस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बाकी सभी क्वेश्चन को हम किनारे रखेंगे। अभी कोसेक थीटा इक्वल टू 2/3/5 इस चीज को हमने बदला सही बटे में, तो 5 × 10 = 10, 3 × 13 = 5 हुआ। कर्ण मेरा 13 आ गया, लंब हमारा 5 आ गया। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बनाया। हम जानते हैं कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, और ये थीटा के सामने वाली भुजा हमारी लंब हो गई। हम अब यहाँ पे देखते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू कर्ण अपान लंब होता है, तो कर्ण हमको पता है और लंब हमको पता, हमको आधार नहीं पता है। तो आधार को पता करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां भी हमको पता है कर्ण पता है, तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर करेंगे तो लंब का 5 का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर हमको आधार ही यहां से क्या करना है फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर 169, 5 इधर आएगा तो 5 × 25, और ये आधार का स्क्वायर, आधार के स्क्वायर में जब 169 में से 25 घटाएंगे तो आपको बचेगा 144, और ये आधार का स्क्वायर जब इधर से हटेगा तो इधर आ जाएगी कड़ी, 144 हो जाएगा कड़ी में। और हम जानते हैं कि आधार बराबर आपका निकल गया 144 का जो रूट होता है वो 12 होता है, तो आधार बराबर कितना निकल गया 12। तो आपको यहाँ पे पता चल गया आधार बराबर आपको 12 पता चल गया। आपको निकालना क्या था, आधार बराबर आपको क्या पता चल गया 12, आपको निकालना टेन थीटा और कॉस थीटा। तो हम जानते हैं नॉर्मल फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब अपान आधार। तो लंब हमारा 5 है और आधार हमारा 12 है, तो ये हमारा पहला आंसर निकल गया। तो आपको देखिए बस आपको शुरुआत में देखना है कि एग्जामिनर आपको कैसे क्वेश्चन को चेंज कर रहा है। 5 × 10 = 3 × 13 = 5 इस तरीके से आपको क्वेश्चन को देखना और करना है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, आधार हमारा 12 है, कड़ हमारा कितना है 13। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व हो गए। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं, और देखिए क्वेश्चन लगाने का मतलब ये नहीं कि हम आपको छोटा छोटा क्वेश्चन बता दें, बहुत सारा क्वेश्चन बता दें, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन बता दें जिससे आपको बार बार लगाना पड़े या आपको ये लगे कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो मैंने अभी तक जितना भी टाइप बताया वो टाइप अपने में अलग अलग क्वेश्चन है। अब मैं आपको ये दूसरा टाइप बताने जा रहा हूँ। टाइप का मतलब ये है कि क्वेश्चन सेम है लेकिन इसको लगाने का जो तरीका है उस तरीके को आपको देखना है, आपको कैसे कैलकुलेशन को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, और लास्ट में आपका कैलकुलेशन एकदम एग्जैक्ट आंसर लाना है किस तरीके से। इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन है। ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत ही छोटा लग रहा है लेकिन अभी इसको लगाएंगे तो आपको कैलकुलेशन को भी सीखने का मौका मिलेगा। तो ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन के बाद हम फिर से ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट 2 है या पार्ट 3 है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और मैं बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ही बस आप करके जाएंगे तो आपको एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ। देखिए कोसेक थीटा इक्वल टू 1/2, हमको ये पता है कि कोसेक थीटा इक्वल टू 2 दिया है। हम जानते हैं कि हर में कुछ नहीं रहता तो एक हो जाता है अपने आप। ये हम कोसेक थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा इक्वल टू लंब अपान कड़, तो ये कड़ अपान लंब क्या हो जाएगा, कड़ अपान लंब। आपको कड़ पता हो गया और लंब पता हो गया, बताइए पता होगा कि नहीं, कड़ इक्वल टू 2 हो गया, लंब इक्वल टू 1। अब सेम आपको जैसे मैंने पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा सारी चीजों को लंब आधार कर्ण कैसे निकालेंगे, और जब तक लंब आधार कर्ण निकालेंगे नहीं
तब तक हमको तीनों भुजाएं पता नहीं होंगी, जब तक हमको तीनों भुजाएं पता नहीं होंगी तब तक हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा निकाल नहीं पाएंगे। तो आइए देखते हैं, कोई भी एंगल आप थीटा ले लीजिए, ए बी सी, ये आपका एंगल अगर थीटा लेते हैं, चाहे ये एंगल कोई भी आप थीटा लेते हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है और हमारा लंब हमको दिया हुआ है एक, ये आपका लंब हो गया, लंब बराबर दिया हुआ है एक। अब देखिए ये कर्ण बराबर दो, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये कर्ण बराबर दो दिया है और आपको आधार बराबर दिया हुआ है, नहीं दिया आधार आपको निकालना है। तो आइए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार आपको पता नहीं है तो आधार आपका आधार का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण आपको पता है दो का दो तो ना चार हो जाएगा, एक का एक ही होगा और प्लस आधार का स्क्वायर, ये एक इधर आएगा तो 4 - 1, ये आधार का स्क्वायर, चार में से एक घटाएंगे तो आपको बच गया 3, और आधार का स्क्वायर आधार हटेगा इधर, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगी, कर्ण ही आ जाएगी। तो हमको ये पता चल गया कि आधार इक्वल टू क्या हो गया, √3, ये हमको पता चल गया आधार बराबर √3। अब यहां से देखिए हम क्वेश्चन को, बहुत सारी चीजें अभी आपको सीखने को मिलेंगी, आधार इक्वल टू हो गया √3। अब यहां पे इसको हम इरेज कर दें तो हमको ये पता चल गया, ये हमको √3, आधार इक्वल टू क्या पता चल गया, √3। अब आइए हमको टेन की जरूरत है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब अपान आधार, तो लंब हमारा क्या 1 है, आधार हमारा √3 है, तो ये टेन थीटा निकल गया। साइन की जरूरत है हमको, साइन थीटा होता है लंब अपान कर्ण, लंब हमारा 1 है, कर्ण हमारा 2 है, साइन भी निकल गया। अब आया हमारा कॉस, कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बट्टे कर्ण, कर्ण बट्टे आधार, नहीं याद है तो आपको सिंपल फॉर्मूला याद है, लाल बट्टे कक्का। आपको कॉस निकालना है, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, तो आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है √3 और कर्ण कितना है आपका 2। तो इस तरीके से आपने देखा साइन कॉस टेन, आपने सभी मानों को निकाल लिया। अब हम इक्वेशन में यहां पे रख देंगे हमारा इक्वेशन 1/10, 10 की जगह पे हमको क्या रखना है, 10 की जगह पे 1/√3, यही आपको कैलकुलेशन सीखना है, और देखिए कैलकुलेशन को कैसे हम इजी बनाते हैं। प्लस साइन थीटा की वैल्यू आपको दी है 1/2 और इस पूरे का बटे लगाया है 1, प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है √3/2। हमने ये इक्वेशन लिखा, उसी के जगह पे मैंने सारी वैल्यू रख दी। अब आइए देखते हैं यहाँ पे ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो देखिए जब भी हमेशा यहाँ कुछ ना रहते हैं, एक समझिए, और ये एक का गुणा ऊपर होगा, इस 3 का गुणा 3 में होगा, तो जब ये एक ऊपर जाएगा 3 भी यहाँ में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका केवल, जैसे देखिए इसको अगर हम इसको गुणे में चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं, गुणे में चेंज करते हैं, तो गुणे में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये 3 डायरेक्ट हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 हो गया, 3 प्लस यहां से 1/2 है आपका। अब यहां पे मैंने इसको सॉल्व किया, 1 और 2 कैल्शियम हमारा 1 ही होगा, 1 और 2 कैल्शियम 2 होगा, 1 का भाग देंगे 2 में 2 आएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 ही मिलेगा हमको, फिर 2 से भाग देंगे 2 में तो 1 आएगा, 1 का गुणा √3 में करेंगे तो √3 मिलेगा। कैलकुलेशन देखिए कैसे होता जा रहा है, ये इक्वल टू यहां पे हमको √3 मिला और प्लस 1/2 मिला, ये 2 प्लस √3, इसको गुणे में चेंज करेंगे, जब गुणे में चेंज करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और आपका मिल जाएगा 2 प्लस √3। हम देख रहे हैं ये गुणे में है तो इससे ये कट गया, हमारे पास क्या आ गया √3 और प्लस 1/2 प्लस √3। अब इस क्वेश्चन को नीचे हम जानते हैं 1 है, एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस √3, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 प्लस √3, हम जानते हैं इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यही संख्या आएगी 2 प्लस √3, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये रह जाएगा 2√2। देखिए जैसे इसका इसमें आपको गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, √3 का गुणा आपको करना है 2 प्लस √3 में, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 2√3 और इसका 3 का 3 में गुणा करेंगे, आपको बता चुके हैं कि 3 ही आएगा, तो यहाँ पे आप आ गया 2√3 और प्लस ये आपका मिल गया 3,
और फिर यहाँ पे प्लस लगा हुआ तो प्लस लगा देंगे, इससे ये भाग देंगे तो वन आएगा, वन का गुणा वन में करेंगे तो देखिए दोस्तों यहां तक हमने किया था। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टू अंडर रूट थ्री, टू अंडर रूट थ्री तीन में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा चार, और ये हो गया टू प्लस अंडर रूट थ्री। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो कॉमन है, अगर दो कॉमन लेंगे यहाँ पे तो ये बच जाएगा अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री दो कॉमन हो गया प्लस दो, और यहाँ भी बच जाएगा आपका दो प्लस अंडर रूट थ्री। आप देख रहे हैं कि ये सेम वैल्यू है, दो प्लस अंडर रूट थ्री और दो प्लस अंडर, ये आपस में कट गया और हमारा आंसर आ गया दो, ये हमारा दो आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से किया, और हमने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन को बताया जो भी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अगर आप हमसे जुड़ते हैं दो से चार महीने में तो आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, और आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए अब हम कल अपने नेक्स्ट टाइप को पढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे।